हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, इसमें से आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप करते हमारे फ़ोन के ऑल आइकन्स ऐप बनाते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है फ़ोन आइकन्स, तो हमें फ़ोन आइकन्स पर क्लिक करना है। जो हमारा फ़ोन आइकन्स है यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो हमारा फ़ोन आइकन से ओपन हो गया है। ओपन होते ही हम अपने फ़ोन में गूगल अकाउंट पे कॉन्टैक्ट नंबर्स को कैसे सेव कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को सेव करने के लिए इसमें से आपको क्लिक कर देना है डायल पैड पे, जो भी आपका नंबर है उसको टाइप कर दें। इस तरीके से नंबर हमने टाइप कर दिया है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर को हम सेव करना चाहते हैं इस पर टाइप करेंगे नेम वगैरह, फिर आपको लास्ट नेम वगैरह टाइप करके यहाँ से गूगल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना। हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया फिर आपके यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे गूगल अकाउंट पे सेव हो जाएगा। देखते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वो नंबर से जो हमारा यहाँ पर शो हो जाता है, जैसे हमारा नंबर यहाँ पर शो हो रहा है गूगल अकाउंट पे। तो इस पर अपनी फ़ोन की डायल पैड ऑप्शन पे जाकर कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम सेव कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट पे। तो आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।